Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि जीपी लिंक ने अपना डाउनलोडिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, और बहुत ही सिंपल वे में, यानी कि आप सिर्फ 3 क्लिक में फोटो का जो बैकग्राउंड इन पीएनजी होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी ज़्यादा एड्स और बग्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करना। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज की जो फोटो एडिटिंग है ये केज के ऊपर है और इसका बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है। इसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक भी किया था और इंस्टाग्राम पे सवाल भी पूछा था, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को शॉर्ट आउट भी दिया था जिन लोगों ने मिस्टेक को नोटिफाई किया था। तो अब मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी अपनी एडिटिंग में मिस्टेक खोजिए और इसी तरह उसको इम्प्रूव कीजिए, तो ही आप अच्छे एडिटर बन पाएंगे। और बैकग्राउंड इन पीएनजी डाउनलोड करने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसको देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि किस तरह से आप बैकग्राउंड इन पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो देखिए। सो गाइज, आपने सबसे पहले क्या करना है कि मेरा कोई भी एक वीडियो ओपन कर लीजिए, यहाँ साइड पर क्लिक कीजिए, ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड बैकग्राउंड इन पीएनजी। इस पर क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप मिलेगा जहाँ पर आप अपना कोई भी मनपसंदीदा ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूसी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पर सेटिंग्स में आपको एड्स ऑन पे क्लिक करना होगा और ये एड ब्लॉकर जो है आपको इसको ऑफ रखना है। ऑन रहेगा तो ऑरेंज, ऑफ रहेगा तो आपको ग्रे कलर का दिखेगा। ओके, तो मैंने ऑफ कर दिया है। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड बैकग्राउंड इन पीएनजी पर। तो इसको क्लिक करते ही आपको एक कुछ नया ये इंटरफेस मिलेगा। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, घूम रहा है, बस इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ये लिखा होगा स्कैन, इस पर सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद आपको क्या होगा, एक नया इंटरफेस, एक नया पेज खुलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, लिखा है वर्किंग इन प्रोग्रेस, आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। जैसे ही वर्किंग इन प्रोग्रेस ख़त्म होता है तो चेक पर क्लिक आएगा, आप सिर्फ चेक रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा डेस्टिनेशन, ओके, गेटिंग डेस्टिनेशन, बस इंतज़ार कीजिए। तो देखिए ये हो गया, गो टू द डेस्टिनेशन पर क्लिक कीजिए, नीचे एक टैब आएगा, आपको सिर्फ इसको स्लाइड करना है और इस पर क्लिक कीजिए। देखिए आपका बैकग्राउंड एन पी एन जी मिल गया, आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो गाइज, मेरे बताए हुए तरीके से बैकग्राउंड एन पी एन जी डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको सिंपली जाना है ऐड फोटो में, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो केज है, पिछड़ा है, आपको ले लेना है। बस आपको पूरे फोटो पर रिसाइज कर देना है, बिल्कुल ही आपको रिसाइज फोटो मिलेगा, यानी कि आपकी एडिटिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बाद आपको फिर से जाना होगा ऐड फोटो में और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये ब्रांचेस, ब्रांचेस को ले लेना है सिंपली। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर में जाना है, मूव डाउन कर देना है, जिसे पिछड़ा ऊपर आ जाएगा केज। इसके बाद पिछड़े को सिलेक्ट कीजिए, यानी केज को, उसके बाद इरेजर में जाइए, जूम कीजिए, ये वाला जो हिस्सा है आपको सिर्फ इरेज करना है। तो इरेजर में जाइए, हार्डनेस फुल कीजिए, साइज को छोटा कीजिए और इस तरह से आपको सिंपली इरेज कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको इरेज कर लेता हूँ। नॉर्मली देखिए ये इरेज हो गया, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एक लाइन छोड़कर उसे भी इरेज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे किया नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐड फोटो में जाइए, यहाँ से अपना मॉडल ले लीजिए, आपको जाना है फ्लिप एंड रोटेट में और इसको रोटेट कर दीजिए इस साइड में। ओके, अब मैं इसको पीछे करूँगा, लेकिन आप अगर चाहें तो एक एक लाइन को इरेज कर सकते हैं, जिसे ऐसा लगे कि ये सच में पिछले में ये वाला मिस्टेक मैंने किया था और इसी के लिए मैंने इंस्टाग्राम पर आप लोगों को पूछा था, सवाल पूछा था आप लोगों से कि इसमें क्या मिस्टेक है। ओके, इसके बाद आपको सिंपली फिर से एक बार ऐड फोटो में जाना होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये चील, यानी कि ईगल, ईगल का जो पीएनजी है मैं यहाँ पर सिंपली सेट कर दूंगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा मोशन ब्लर ऐड करना है क्योंकि ये बहुत तेज़ी में आ रहा है और बिल्कुल पिछड़े के ऊपर ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जाना है आपको इफेक्ट में, यहाँ से आपको ब्लर चूज़ करना होगा, मोशन ब्लर। ओके, ब्लर में जाइएगा, आपको यहाँ मोशन ब्लर मिल जाएगा, ये रहा। सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, करीब 60% रखेंगे
और फेड को एकदम ज़ीरो कर देंगे, इरेजर में जाएंगे, स्विच करेंगे और ये जो साइड का विंग का एरिया है बस हमें क्या करना है, बिल्कुल हल्के हल्के करके। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वाली मिस्टेक है क्योंकि वो लोग मिस्टेक नहीं पकड़ पा रहे थे। जब तक आप लोग मिस्टेक पकड़ना सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे एडिटर नहीं बन पाओगे। ओके, तो आप मिस्टेक पकड़ना सीखिए। ओके, मैं इन दोनों को मर्ज कर दिया, डन कर दूंगा। फाइनली ये पिक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, ड्रॉ टूल में जाना है और इस फोटो को कर लेना है सेव। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे ब्लॉग पर ही मिल जाएगा, वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपना फ़ोटो ऑन कर लिया है, मतलब ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको जाना है लाइट में, कॉन्ट्रास्ट को क्या करना है कम कर लेना है। यहाँ पर हाईलाइट भी कम कर लेंगे क्योंकि यहाँ हाईलाइट बहुत ज़्यादा है। शेडो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शेडो कम था, और ब्लैक्स को कम कर लेंगे -17%। इसके बाद आपको जाना है कलर में, कलर में मिक्स पर क्लिक करेंगे, ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। आपको लेना है यहाँ पर यू पे टच करना है और स्काई कलर को क्या करना है आपको एकदम बिल्कुल पीछे कर देना है। ओके, जिससे ये स्काई साइनो कलर में आ जाएगा। ल्यूमिनस भी इसका कम कर लेना है, करीब -27 के पास में कर लेना है, जिससे ये थोड़ा सा और निखर के आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको डन कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको वाइब्रेंस जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपको सिंपली आ जाना है इफेक्ट में, क्लैरिटी यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करना है, करीब 13%, और डीएज ऐड करेंगे 15%। विगनेट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। शार्पनेस में आ जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करना है, करीब 50% के पास। और यहाँ पर नॉइस रिडक्शन जो है वो करीब आपको 22 और कलर नॉइस रिडक्शन 20% करना है। इसके बाद आपकी फ़ोटो एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और एक बंदे ने कहा था कि भाई थोड़ा रियलिटी वाली एडिटिंग करो, तो इसमें रियलिटी भी है, नया भी है कुछ, और पूरी तरह से कलर का करेक्शन भी है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये फ़ोटो एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग ये फ़ोटो एडिटिंग करते तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना ना भूलें, #zafarstudio, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।